हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम रसीला, सुपर सॉफ्ट, सुपर टेस्टी सूजी के हलवे की रेसिपी बिना चाशनी के और एक ही बर्तन में परफेक्ट माप के साथ सूजी का हलवा बनाएंगे। अगर आप पहली बार हलवा बना रहे हैं तो अगर आप इस तरीके से हलवा बनाएंगे तो आपका हलवा पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनेगा। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। सूजी का सुपर टेस्टी हलवा बनाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई गरम करेंगे और अब इसमें हम घी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कप घी लिया है, तो इसमें से हम 2 बड़े चम्मच घी कढ़ाई में डाल देंगे और बाकी का घी हम बाद में यूज़ करेंगे। और घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो घी अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो अब हम इसमें 10 से 12 बादाम और 10 से 12 काजू डाल देंगे और काजू और बादाम को हम लो फ्लेम पर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बस 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे और जैसे ही काजू और बादाम पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, हम इसमें 20 से 25 किशमिश डाल देंगे और किशमिश को भी हम लो फ्लेम पर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। किशमिश को फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी फूल जाती है। ड्राई फ्रूट को फ्राई करके हलवे में डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ड्राई फ्रूट हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब इनको हम एक बोल में निकाल लेते हैं। और अब सेम कढ़ाई में हम बाकी का बचा हुआ घी डाल देंगे और घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो घी अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो अब इसमें हम आधा कप सूजी डाल देंगे। मैं यहाँ पर बारीक वाली सूजी का यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पर मोटी वाली जो सूजी आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप घी के लिए आधा कप सूजी का यूज़ करना है और गैस का फ्लेम लो रखेंगे और सूजी को हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। सूजी को हमें तब तक भूनना है जब तक कि सूजी का कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो बस इसे लगातार चलाते रहेंगे और मेजरमेंट के लिए आप कोई भी एक कटोरी या कप सेट कर सकते हैं, उसी से सारा मेजरमेंट करें। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि सूजी पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए। और आप देख सकते हैं कि सूजी ने सारा घी भी छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये है कि सूजी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी हमें उसी कप से लेना है जिस कप से हमने सूजी और घी लिया है, तो उसी कप से हम 3 कप पानी डाल देंगे, मतलब 1.5 कप पानी डाल देंगे। सिंपल। तो सारा पानी एक साथ अच्छे से डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। और अब गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि सूजी सारा पानी सोख नहीं लेती। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि सूजी सारा पानी सोख कर लेगी। और अब साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ केसर वाला दूध। थोड़े से केसर के धागों को मैंने 4 चम्मच गर्म दूध में भिगो कर रख दिया था, तो ये डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। केसर डालने से हलवे में बहुत अच्छा कलर आ जाता है और हलवे का टेस्ट बढ़ जाता है। अगर आपके पास में केसर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे केसर के बिना भी आराम से बना सकते हैं। और अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो जिस कप से हमने सूजी और घी लिया है उसी कप से हम इसमें आधा कप चीनी डाल देंगे। आधा कप घी और आधा कप सूजी के लिए आधा कप चीनी का यूज़ करना है, सिंपल। और अब साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई की हुई ड्राई फ्रूट। अच्छे से सबको मिला देंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है और चीनी भी अच्छे से मेल्ट होकर हलवे में मिक्स हो गई है। तो अब हम हलवे को ढककर 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। 4 से 5 मिनट मैंने हलवे को ढककर अच्छे से पका लिया और ये लीजिए, हलवा हमारा बनकर तैयार है। और आप देख सकते हैं कि हलवे का कलर कितना अच्छा आया है। और मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि हलवा कितना स्मूद और सॉफ्ट और एकदम रसीला बना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं एकदम रसीला दानेदार हलवा बनकर तैयार है। तो अब गैस बंद कर देंगे और इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। और ये लीजिए, हमारा सुपर सॉफ्ट एकदम रसीला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम दानेदार सूजी का हलवा बनकर तैयार है। अब इसे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। अगर आपको आज के हलवे की रेसिपी ट्राई करने के बाद में पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।